एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं, हमें आपके साथ गोविंद राज और इस वक्त हम जो है गुड्डा के समाहरणालय में मौजूद हैं। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का नॉमिनेशन जो है वो कल से ही शुरू हो गया है। कल की बात करें तो कल आपको बता दें कि कल कुल जो है 12 लोगों ने नामांकन प्रपत्र खरीदा है और 2 लोगों ने नॉमिनेशन किया है। नॉमिनेशन किन्होंने किया है उनका नाम एक बार हम आपको बता देते हैं कि जो नाम दाखिल करने वाले अभ्यर्थी हैं उनका नाम है केतन कुमार, जो राइट टू रिकॉल पार्टी से हैं, पिता सुदेश कुमार जायसवाल, पता बांझी बाजार, बोरियो सदर, साहिबगंज। और दूसरे जो लोग जो नॉमिनेशन करने वाले हैं उनका नाम है अनूप कुमार, प्रोटेस्ट ब्लॉक इंडिया, पिता विश्वनाथ ठाकुर, पता कुर्मीचा गोड्डा। तो 2 लोगों ने कल नॉमिनेशन पर्चा भरा है और 12 लोगों ने नॉमिनेशन पर्चा खरीदा है। यहाँ पर ही वो जब लोग यहाँ पर पहुँचते हैं कि क्या प्रोसेस है, तो जब आप समाहरणालय पहुँचिएगा तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 3 गोड्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नाम निर्देशन के लिए स्थापित सुविधा केंद्र। यहाँ पर आप आइएगा और यहाँ पर से आपका जो है वो सारा प्रोसेस वो यहाँ से शुरू होता है और उसके बाद यहाँ पर वो तमाम अधिकारी बैठे हैं जो आपको बताएंगे कि कैसे आप नामांकन प्रपत्र खरीद सकते हैं, कैसे आप नॉमिनेशन करा सकते हैं। तो ये तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं। क्या जो लोग यहाँ पर आते हैं नॉमिनेशन कराने के लिए तो क्या कुछ प्रोसेस है कराने के लिए? उसका अलग काउंटर है वहाँ यहाँ पर क्या कुछ होता है? डिपॉजिट राशि लेते हैं बस, और कुछ नहीं करते। एनआर कटता है यहाँ पे, एनआर कटने का ये जगह है, यहाँ फॉर्म मिलता है उसको। जो लोग आएंगे मान लीजिए तो वो सबसे पहले कहाँ पर? जो भी कैंडिडेट आएंगे पहले यहाँ आएंगे, उसके बाद एनआर कटाएंगे, नाजी रसीद जिसको बोलते हैं, वो कटाने के बाद उनको फॉर्म मिलेगा, ठीक है, 4 सेट में उसको फॉर्म दे देते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं अपना भरने के लिए, भर के उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस वहाँ का होता है। कितना का वो ये रसीद? नाजी रसीद 25,000 का कटता है। 25,000 का कटता है जनरल के लिए 50% कम है। तो जो लोग यहाँ पर आएंगे 25,000 का उनका एनआर कटेगा, एनआर कटने के बाद यहाँ से प्रोसेस वो आगे जाएंगे। आगे कहाँ पर पहुँचे? आगे फिर उसके बाद फॉर्म भर के अपना फिलअप करके उसके बाद सबमिट करेंगे जाके आपका आरओ जहाँ बैठते हैं सर वहाँ करेंगे। उसके बाद जो आगे का प्रोसेस है, तो लोग जो नॉमिनेशन कराने के लिए पहुँच रहे हैं वो आपको बता दें कि आपको यहाँ पर ही पहुँचना है और यहाँ पर पहुँचने के बाद आपका एनआर कटेगा। एनआर जो है वो आपका 25,000 का कटेगा। अगर आप SC ST से हैं तो 50% कम कटेगा, यानी कि 12,500 रुपया का यहाँ पर कटेगा। तो ये प्रोसेस यहाँ पर होगा। लोग लगातार जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कई लोगों को जानकारी है, कई लोग यहाँ पर आकर के पता करते हैं कि कैसे होगा। तो कल आपको बता दें कि 12 लोगों ने नामांकन पर्चा वो खरीदा है और 2 लोगों ने नॉमिनेशन भी यहाँ पर कराया है। आगे जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ ऐसे ही और देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़।